शांति। आज 28 अप्रैल 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। हमारी टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह है योग के द्वारा। टोटल ज्ञान मिला, समझ मिली, उसको अप्लाई करना है, धारणा हुई, सेवा करनी वो भी हुई, लेकिन हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती किस आधार से? योग से। तब बाबा हमको कहते हैं कि तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो योग बल के द्वारा। योग बल, बाहुबल नहीं, योग बल। राजधानी स्थापन करते हो योग बल से। नई दैवी सृष्टि की रचना का कार्य होता है योग बल से। तो ये योग जो है वो हमारी सब बातों का एसेंस, जिसको हम कहें ना, जिसका पिवटल रोल है वो ये योग है। इसलिए हमको इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। प्रश्न है कि देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा नॉलेज देता है कि तुम कैसे नीचे आए, तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुए। जो तुम्हारा धर्म था उससे भी तुम किनारे हुए, जो श्रेष्ठ कर्म करने थे वो भी किनारे, इसलिए तुम्हारी डाउनफॉल आरंभ होती है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे। फिर बाबा ने याद दिलाया कि सतयुग में क्या है। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था, वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता वह क्षत्रिय कहलाते थे। तो वो लक्ष्मी नारायण का राज, वो सीता राम का राज, वो भी डायनेस्टी चली। तो बाबा ने कंपेयर किया, जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में ऐसे था। ये बाबा राजधानी बता रहा है कि कैसे राजधानी चलती है। राजगद्दी का नाम है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और उनकी 8 राजगद्दियां हैं। ऐसे मिसाल दिया एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उससे कंपैरिजन करके बाबा ने स्पष्ट किया। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई। शिव जयंती सिद्ध करती है कि बाबा को आना पड़ता है, तब तो ये यादगार बना हुआ है। अगर शिव बाबा आता ही नहीं तो उसका यादगार शिव जयंती क्यों मनाते? तो शिव जयंती सिंबॉलिक है, एक त्योहार के रूप से हम मनाते हैं शिव बाबा के अवतरण को, कि जब वो आते हैं तो अंधकार का नाश करते हैं और सतयुग की दुनिया की स्थापना करते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी
पतित कंगाल इर रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी ड्रामा अनुसार होना है। फिर बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये तीन तबके हैं, गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। तो बाबा ने वो जो तीन मूल वतन, सूक्ष्म वतन, उसको तीन तबके, आई मीन थ्री लेवल्स, तीन मंजिल। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तो बाबा ने इसी को बोला कि ये सारा जो चक्र है, तुम भारतवासियों का चक्र है, और धर्म वाले तो 84 जन्म ये नहीं बाबा लेते। स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे देवता से हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हैं, कैसे हम सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी। ये जो कहानी है सारी भारत की है, भारत की भी कहें जो देवी देवता धर्म वाले हैं, देवी देवता धर्म वाले इन चारों युगों से क्रॉस करते हैं। जो अन्य धर्म है, सत्ययुग त्रेता तक तो केवल एक धर्म है, जो अन्य धर्म है वो फिर द्वापर युग से आते हैं, तो पूरी जो स्टोरी है वो उनके ऊपर नहीं कही जा सकती, स्टोरी देवी देवता धर्म की। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि जो आत्मा को कहते हैं भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी, वास्तव में स्टार भी नहीं कहेंगे, स्टार तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर से दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है, ये सिर्फ एक मिसाल है कि आत्मा इतनी छोटी है, जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि देवता थे दैत्य बने, आज बाबा ने हमें दैत्य, देवता से दैत्य बने, फिर सुदेवता बनना है, ये चक्र चलता है, बाकी तो सब है बाय प्लॉट, जो सारे और धर्मों के नाम लिए बाबा ने कहा बाकी सब है बाय प्लॉट। इसमें ये बात समझने की है, कई कहते हैं कि देवता अलग थे, दैत्य अलग थे, तो बाबा ये बताते हैं कि देवता अलग और दैत्य अलग नहीं थे, देवता ही अंत में दैत्य बन जाते हैं। देवता जो अपनी जब उससे पुण्य क्षीण होते हैं तो आते 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 अंत में ऐसे बन जाते हैं। देवता कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी को, दैत्य कहते हैं संपूर्ण विकारी को। आज की धरा पे, आज के युग में कोई भी ऐसा तो है नहीं जो संपूर्ण निर्विकारी है। चलो संपूर्ण ना सही, थोड़ा भी निर्विकारी हो वो तो नहीं है, सबके सब एक जैसे हैं। तो बाबा कहते हैं ये आसुरी वृत्तियाँ जब आ जाती हैं तब तुम आत्माएं ही दैत्य कहलाते हो। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। मैं आत्मा शरीर के द्वारा, ये स्व की स्थिति, आत्म स्थिति में हम स्थित रहें और फिर हम इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं, ये स्मृति रहे, इसको बाबा कहते देही अभिमाने। बाबा ने कहा जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। नेचुरल है, जो ज्यादा याद करेंगे पाप नाश करेंगे, अपने अच्छे गुलगुल फूल बनेंगे तो बाबा के करीब रहेंगे। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो, और तो कोई साधन, बाहुबल तो है ही नहीं हमारा। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है, उस बाप को याद करना पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना है, ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है।
आज का वरदान है। बाबा हमेशा कहता है कि खुद करो और कराओ, करो और कराओ, ये बात हमको अंडरलाइन करनी चाहिए। तो आज का वरदान है बाबा की मुरली से, पार्श्व डोनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणिभव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयमाला में आते हैं। पार्श्व डोनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। ये बहुत बड़ी विशेषता है, स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरे को भी संतुष्ट करें। जो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट रहता है वो दूसरे को संतुष्ट कर सकता है, और जो स्वयं संतुष्ट नहीं है वो दूसरे को भी नहीं कर पाएगा। तब बाबा हम बच्चों कहते हैं खुद भी संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई इसकी आत्माओं बहुत को जरूरत है। सहारा दो, आज की डेट में इसकी बहुत ज़रूरत है, रहम दिली की। जो आज की सिचुएशन है, जैसा चल रहा है, उसमें रहम दिल होना बहुत ज़रूरी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या एसएमएस करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।